सो वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास दसवीं का जो इंग्लिश का पेपर है, फटाफट पूरा पूरा पेपर रट लीजिए। अभी अभी 4 बजे पूरा पूरा पेपर हमारे पास आया, सो हमने सोचा आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। सो गाइस एक एक क्वेश्चन पूरा पूरा याद कर लीजिए, देख लीजिए जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पर सभी क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। देख लीजिए जो आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, सो गाइस 16 के 16 क्वेश्चनों के हम जो क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस जो है आपके पेपर का पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है। चलिए फटाफट आपके क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन ए में रीडिंग है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। सो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है। सो गाइस इस पैसेज को आपको रीड करना है और इसके जो क्वेश्चन है इनके आंसर हम जो है इसी पैसेज में मिल जाएंगे। सो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपको जो है आपके क्वेश्चनों के आंसर इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। चलिए यहाँ पर पहले का जो राइट आंसर देख लेते हैं, पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का भी बी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद चौथे में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा का ए ऑप्शन। सो गाइस ये आपके 5 नंबर जो पहले पैसेज में कंप्लीट हो जाते हैं। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो गाइस अगर आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम आपको वार्षिक परीक्षा में पूरी हेल्प कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर दूसरे पैसेज में भी आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पर इस पैसेज को रीड करना है। देख लीजिए 5 नंबर का। चलिए अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 2। चलिए फटाफट देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 2 के भी आंसर हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में भी आपका सी ऑप्शन। इसके बाद चौथे का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें का डी ऑप्शन। सो गाइस ये आपके 5 नंबर जो है क्वेश्चन 2 में कंप्लीट हो गए। अब आपके चलिए जो है सेक्शन बी देख लेते हैं, राइटिंग। सेक्शन बी में आपको राइटिंग है, देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इनके देख लीजिए, इसमें से नोट्स बनानी है, समरी और टाइटल लिखना है इस पैसेज का। सो गाइस यहाँ पर 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए अब आपका क्वेश्चन चौथा में राइट एन एप्लीकेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 5 नंबर की एप्लीकेशन है आपको, अथवा में भी एक एप्लीकेशन देखने मिल जाता है, दोनों में से एक करना है। इसके बाद है आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें से किसी एक टॉपिक पर जो है आपको निबंध लिखना है, 4 ऑप्शन दिए हुए। इसके बाद है छठवां में देख लीजिए, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें से पिक्चर में से 75 वर्ड लिखना है। सो गाइस यहाँ पर ये आपका 6वां क्वेश्चन हो जाता है। 6वां के बाद यहाँ पर अब आ जाता है 7वां क्वेश्चन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर। देख लीजिए यहाँ पर सेक्शन सी में ग्रामर है, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फटाफट आपके इसके भी आंसर हम आपको बता देते हैं। सो गाइस यहाँ पर यार वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका वेट वीन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का हो जाएगा द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आफ्टर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का राइट आंसर हो जाएगा मस्ट हो जाएगा। इसके बाद है पांचवें का राइट आंसर ऑन हो जाएगा। सो गाइस ये आपके जो ग्रामर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आ जाते हैं डू इज डायरेक्ट। सो गाइस यहाँ पर डू इज डायरेक्ट देख लेते हैं फटाफट। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर पहला डू इज डायरेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो गाइस इन पांच नंबर के हैं। सो गाइस पांचों को आपको इनके आंसर लिखने हैं। सो गाइस इसके बाद अब आ जाता है सेक्शन डी। सो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, इसके जो आंसर है हम आपको बता देंगे वीडियो के एंड में बता देंगे। सो गाइस इसके बाद सेक्शन डी में चलिए अब इनके आंसर फटाफट आपको बता देते हैं सभी के। सो गाइस आप जल्दी से देखते चलिए, यहाँ पर पहले का जो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का भी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस हम राइट के चिन्ह लगाते चलते हैं, वही आपके राइट आंसर हैं। सो गाइस यहाँ पर ये आपके फटाफट हमने कंप्लीट करा दिए क्वेश्चन 9 के जो सही विकल्प है पूरे पूरे कंप्लीट हो गए। अब आपका क्वेश्चन 10 आ जाता है। क्वेश्चन 10 में ए ओ बी 2 क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको अच्छी तरह से रीड करना है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस ये रही इसके क्वेश्चन, देख लीजिए, पहले में ए हो जाएगा, ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 10वां का ए क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चनों के आंसर हमने बता दिए। अब जो है क्वेश्चन 10वां का बी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसको भी आपको अच्छी तरीके से जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से रीड करना है। चलिए इनके क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो गाइस ये रहे इसके क्वेश्चन। चलिए अब इनके आंसर फटाफट देख लीजिए। पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे जो है दूसरे में आपका राइट आंसर इसमें भी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले में बी हो जाएगा, दूसरे में बी, इसके बाद तीसरे में आपका सी हो जाएगा। सो गाइस ये आपके जो है दसवां नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर जो है बी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर के हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन है, इनको 6 के आंसर लिखना है, यानी एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है। सो गाइस यहाँ पर 2-2 नंबर की क्वेश्चन है। सो गाइस आप जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये जो है इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन में इनके आंसर जो है 30 वर्ड में लिखना है, एनी 2 करना है, यानी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन करना है। सो गाइस यहाँ पर आपको 4 नंबर इसमें मिल जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन पर 2 नंबर है। इसके बाद आ जाता है 13वां क्वेश्चन में देख लीजिए आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। सो गाइस एनी 2 करना है, देख लीजिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, इन 3 क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। सो गाइस इसमें से आप बताएंगे तो गाइस आपको दो है एक 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 आंसर पर 2 नंबर मिलेंगे। सो गाइस यानी आप इन 3 क्वेश्चनों में से 2 के आंसर लिखना है, जिससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिए ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन में, इनके जो आंसर अथवा का लिख सकते हैं या ऊपर का, दोनों में से एक लिखना है। इसमें से आपको जो है इनके आंसर जो 75 वर्ड में लिखना है, जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद है आपका 15वां क्वेश्चन, देख लीजिए ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन, सो गाइस ये भी आपका 3 नंबर का। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 नंबर का। सो गाइस ये आपके 16वां तक पूरे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। अब इनके सॉल्यूशन की बात करें तो गाइस हम इसका जो सॉल्यूशन है फटाफट आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। जितना हमने पेपर में अभी अभी सॉल्यूशन करा दिया, फटाफट आप जल्दी से याद कर लीजिए। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्द आ रही है, सो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प कर देंगे। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।